वर्ल्ड, चलो, और साइको माफिया, मैडली ऑब्सेस्ड विद हिज मेड एंड फॉल ऑफ हिम का पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। शिचैन और मेंग्याओ की मैरिटल लाइफ बहुत अच्छे से बीत रही होती है। अब धीरे धीरे जिन जोशियान और वन शिशु की भी मैरिज का टाइम आने लगता है, और जिन जोशियान और यानली की भी मैरिज का टाइम आने लगता है। वेडिंग लैन हाउस में ही होनी वाली है, इसलिए वन शिशु और यानली ने अपने वेडिंग गाउन भी बाय कर लिए थे, जो वाइट कलर के होते हैं। जिन जूशान और जिन जीशुन भी अपने लिए वेडिंग सूट बाय कर लिया होता है, जो ब्लैक कलर का होता है और थ्री पीस सूट भी होता है। अब धीरे धीरे वन शिशु और जिन जीशुन और न्याली और जिन जूशान की वेडिंग का दिन भी आ जाता है। यानली और वैन शिशु लैन होम में तैयार हो रहे होते हैं, और जिन जूशियान और जिन जीशुन जिन होम में रेडी हो रहे होते हैं। जिन जूशियान और जिन जीशुन की मदद लैन शिचैन और लैन वांगजी कर रहे होते हैं। यानली और वैन शिशु की मदद विवशियान और मैंग्याओ कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंग्याओ और विंग दोनों ही ओमेगा होते हैं। जियांग चैन और मिस्टर लैन और मिसेस जिन लैन होम को डेकोरेट करवा रहे होते हैं। अब जिन जूशियान और जिन जीशुन रेडी हो जाते हैं, और वांगजी और शिचैन के साथ जिन होम से लैन होम में आ जाते हैं। जियांग फैमिली कुकिंग का सारा काम देख रही होती है। जिन जीशुन और जिन जूशियान लैन वांगजी और शिचैन के साथ लैन होम के डोर को ओपन करते हैं, तो लैन किरैन मिस्टर एंड मिसेस जिन और मिस्टर एंड मिसेस जियांग इन चारों का वेलकम करते हैं। अब चारों हॉल में आ जाते हैं। जिन जूशियान और जीशुन हॉल के सेंटर में स्टेज के ऊपर खड़े हो जाते हैं, और वांगजी और शिचैन बाकी के सारे वर्क मैनेज करने चले जाते हैं। अब कुछ देर बाद प्रीस्ट भी हॉल में आ जाता है। अब धीरे धीरे गेस्ट भी आने लगते हैं, और वांगजी और शिचैन गेस्ट को वेलकम करने लगते हैं। पार्टी में कई बड़े बड़े आदमी और लोग आए होते हैं, जिनमें वैन फैमिली भी आती है, जिसे देखकर लैन और जिन फैमिली मनी मन बहुत एंग्री होती है, और मनी मन खून का घूंट पी लेती है, क्योंकि वैन फैमिली को देखकर जिन फैमिली और लैन फैमिली को उनके साथ की गई हरकत का फिर से याद आ जाता है। वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्टी का टाइम होता है, तो वो कुछ बखेड़ा भी नहीं खड़ा कर सकते। अब धीरे धीरे वेडिंग का टाइम भी आ जाता है। यानली और शीशु को मैंग्याओ और विंग लेकर नीचे आते हैं। दोनों ब्राइड्स बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। उन्होंने उनका वाइट गाउन उन पर एकदम जच रहा होता है, और दोनों हेवन की अप्सरा लग रही होती हैं। जिन जूशियान और जीशुन अपने ब्लैक सूट में बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं, और एकदम रॉयल प्रिंस लग रहे होते हैं। यानली और शिशु ने अपने हैंड्स में व्हाइट बुके पकड़ा होता है, और वे दोनों धीरे धीरे
चल के हॉल के सेंटर में स्टेज के ऊपर अपने अपने ग्रूम के पास आ जाते हैं और अपने अपने ग्रूम के पास साथ में खड़े हो जाते हैं। अब प्रीस्ट दोनों कपल को शादी की कई कस्में दिलवाता है। अब प्रीस्ट पहले जिन जोशियान और यानली से कहता है कि प्रीस्ट कहता है, मिस्टर जिन जोशियान, डू यू टेक मिस यानली एज योर लॉफुली वेडिंग वाइफ? अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो कहिए आई डू। जिन जोशियान कहता है यस आई डू। अब प्रीस्ट मिस यानली से यही सेम क्वेश्चन पूछता है कि मिस यानली, डू यू टेक जिन जोशियान एज योर लॉफुली वेडिंग हस्बैंड? यदि मानती हो तो कहिए यस आई डू। यानली कहती है यस आई डू। अब प्रीस्ट जिन जीशुन और वैन शिशु के साइड मुड़ता है और जिन जीशुन से कहता है कि मिस्टर जिन जीशुन, डू यू टेक वैन शिशु एज योर लॉफुली वेडिंग वाइफ? अगर मानते हो तो यस आई डू बोलिए। जीशुन यस आई डू बोलता है।